लिफो, लिफो बोल लो या फिलो बोल लो, कुछ भी हो सकता है। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड फिलो मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हो। वैसे हम ज्यादातर लीफो ही बोलते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो फिलो भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका किसका कंसेप्ट है, लीफो का, और स्टैक का भी बोल सकते हो। आप स्टैक में हमारी दो चीज होती है, टॉप और बॉटम। स्टैक कैसा होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है इसकी, वो बताती हूँ। मान लो मैंने ये एक स्टैक बनाया, मैं अलग अलग कलर्स से बना रही हूँ स्टैक ताकि समझने में दिक्कत ना हो। मैं इसमें फाइव बनाऊंगी, फाइव स्टैक बनाऊंगी, मतलब स्टैक के अंदर फाइव एलिमेंट बनाऊंगी। अच्छा, अब ये एक पूरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले जो गया है वो गया है, मैं नंबर डाल देती हूँ, नंबर से पता चल जाएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1। सबसे पहले कौन सा गया है, नंबर वन ब्लू, और सबसे लास्ट में कौन सा गया है, पर्पल वाला, ठीक है, नंबर फाइव। तो सबसे पहले जो गया ब्लू वाला वो सबसे लास्ट में निकलेगा, ठीक है, और जो सबसे लास्ट में गया है, जो पर्पल वाला है ऊपर फाइव नंबर पे, वो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है तो वो सबसे पहले निकलेगा। मैं इसका लिख देती हूँ कौन सा टॉप है और कौन सा बॉटम है। ये हमारी टॉप है और ये हमारा बॉटम है। ठीक है, तो टॉप हमेशा जब भी कंटेनर होता है, कोई भी एक डब्बा लेते हो या कोई भी कंटेनर लेते हो, तो उस कंटेनर में सबसे पहले जो चीज बाहर निकलती है वो ऊपर से निकलती है ना, नीचे से तो नहीं निकलेगी। तो ऊपर से जब आपने कोई चीज निकाली टॉप में से, तो टॉप में से निकालने के लिए आपको यहाँ से लीफो का कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया वो सबसे पहले निकलेगा। तो सबसे पहले हमारा वन गया था, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, लास्ट में गया फाइव, तो सबसे पहले फाइव निकला, फिर फोर निकलेगा, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन। तो इसीलिए बोलते हैं, चाहे लीफो बोलो चाहे फिलो बोलो, फिलो मतलब जो फर्स्ट गया था वो लास्ट निकलेगा, और लीफो मीन्स जो लास्ट गया था वो फर्स्ट निकलेगा। तो ये तो कंसेप्ट आपका किसका था, ये कंसेप्ट आपका था स्टैक का। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हमारी जो भी वर्किंग है इसकी स्टैक की वो करेंगे। मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ पूरा कि क्या क्या हमें करना है उसके अंदर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपका क्वेश्चन, वी हैव अ बाउंडेड स्टैक ऑफ कैपेसिटी फोर। उसके पास सिर्फ कैपेसिटी किस कितनी है, फोर की कैपेसिटी है, मतलब उसके अंदर चार ही एलिमेंट जा सकते हैं, और उसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं उस स्टैक को कंप्लीट करने के लिए। यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स विद द कंसेप्ट या विद द हेल्प
ऑफ दैट स्टैक. ठीक है, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है मतलब जो स्टेप्स है वो क्या है. स्टेप्स है, पहला मेरा स्टेप है मतलब जो हमें ये क्वेश्चन है सिर्फ, स्टैक इज एम्प्टी. सबसे पहले चांस में स्टैक हमारा एम्प्टी रहेगा, सेकंड में पुश करेगा वो ए. ठीक है, थर्ड में वो पुश करेगा बी, पुश और पॉप होंगे इसके अंदर. फोर्थ में वो क्या करेगा, पुश करेगा सी. ठीक है, फिफ्थ में वो क्या करेगा, पॉप करेगा. अब पॉप क्या करेगा वो हम देखेंगे अपने आप. सिक्स्थ में वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है डी को. डी को पुश कैसे कर रहा है वो, जब एक चीज उसमें से पॉप हो चुकी है तब. इसमें अब सेवेंथ में वो क्या कर रहा है, फिर से पॉप कर रहा है. एट्थ में वो कर रहा है पुश, किसको, ई को. पुश करा उसने ई को. नाइन्थ में क्या किया उसने, पुश करा एफ. इसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशन आएंगी जो आपको समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है. टेंथ में उसने क्या किया है, फिर से पुश किया है और फिर पॉप किया हुआ है. अब ये वाले जो पुश है टेंथ में उसने पुश किया है जी को. इलेवेंथ में उसने क्या किया है, पॉप. ट्वेल्थ में भी पॉप और उसने फिफ्टीन तक पूरा पॉप किया है उसको. ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है. अब इस स्टैक की वर्किंग कैसे होगी, पहले मैं एक स्टैक बना रही हूँ, टेबल टाइप में बनाऊंगी, उसमें आपके नंबर्स लिखूंगी. पहले स्टैक बना लेते हैं. ये मेरा सॉल्यूशन है. ठीक है, ये चार उसमें पार्ट में डिवाइड होगा. पहला, मैं भी पूरे 15 बना रही हूँ, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15. अब इसके अंदर कैपेसिटी किसकी है, 4 की है. मैं फर्स्ट वाले को डिवाइड कर रही हूँ सिर्फ, बाकियों को डिवाइड नहीं करूंगी. 1, ये 4 पार्ट्स में हमारा जो स्टैक है वो डिवाइड हुआ हुआ है. अब उसने बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट में हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा उसमें हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है. तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट में स्टैक हमारा एम्प्टी आ गया. ठीक है, अब सेकंड वाले में, सेकंड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है कि स्टैक के अंदर
पुश करो किसको, ए को। तो मैं जो मैंने चार पार्ट बनाई है उसमें से एक में मैं ए को पुश कर दूंगी। तो ए कहाँ पुश होगा, फर्स्ट वाले में पुश होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और होती है, मैं लिख देती हूँ ऊपर ही, इनके इंडेक्स नंबर, जिससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज डालनी है। सब पे नहीं लिख रही, एक ही सिंगल पे लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये फोर मेरे जो कॉलम है वो डिवाइड हो गए। तो अभी सबसे पहले जो पुश किया ए, वो किस में गया, जीरो में। अब सेकेंड वाले पार्ट में ए तो है ही है मेरा, ए आ गया। थर्ड पॉइंट में उसने बोला है मुझे बी पुश करने के लिए, मैंने बी भी पुश कर दिया। ठीक है, फिर उसने मुझे फोर्थ में क्या बोला है, सी पुश करने के लिए। तो सी को कैसे करेंगे, ए बी आ गया मेरा वन पे और सी आ गया मेरा टू पे। फिर उसने मुझे बोला है पॉप करो, तो पॉप करने के बाद कौन करेंगे, जब स्टैक जो होता है, स्टैक कौन सा कंसेप्ट फॉलो करता है, लीफो का। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले लास्ट में कौन गया है, सी गया है आपका लास्ट में, तो पॉप कौन हो जाएगा, यहाँ से सी पॉप हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ ए और बी। ठीक है, अब उसके बाद हमें बोला हुआ है पुश डी, डी को पुश करो। तो ए आ गया, बी आ गया और उसके बाद हमारा डी आ गया। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे। अब उसके बाद डी पुश करने के बाद उसने बोला फिर पॉप करो, तो हम अब किसको पॉप करेंगे, डी को पॉप करेंगे। तो यहाँ ए आ जाएगा, बी आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, फिर उसने बोला है पुश करो ई को, तो यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया बी और यहाँ आ गया ई। अब ई को पुश करने के बाद नाइन्थ स्टेप में उसने बोला एफ पुश करो, ए बी ई और एफ। अब यहां जाके हमारा स्टैक क्या हो जाता है, फुल, क्योंकि चारों पोजीशन फुल हो गई है यहाँ पे। अब उसके बाद जब एफ के बाद उसने कहा जी पुश करो, तो अब स्टैक क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। यहाँ यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ पे ई, यहाँ एफ, और ये हमारा स्टेप कौन सा है, टेंथ स्टेप है, जहां पे जी को करना है। मैं यहाँ पे इसका वो लिख रही हूँ कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया हमारा स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। तो जब स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा तो हम जी को पुश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप क्या है, अगला पॉप करना है। अब हमें पांचों स्टेप में पॉप करना है। तो पॉप करने के लिए क्या करोगे, फिर से वही लास्ट से निकालते जाओगे, लास्ट में जाके आपका स्टेक फिर से एम्प्टी हो जाएगा। आपने ए करा, बी किया, ई किया, एफ आपका पॉप हो गया यहाँ से। ठीक है, इलेवेंथ स्टेप में पॉप हो गया। फिर से पॉप बोला है करने के लिए ए बी ठीक है, और ई हमारा पॉप हो गया यहाँ से। अब 13th स्टेप हमारा क्या है, फिर से पॉप करो, तो यहाँ सिर्फ ए बच जाएगा। ठीक है, अब 14th स्टेप में फिर उसने पॉप करने के लिए बोला है, तो 14th स्टेप में जाके हमारा जो स्टैक है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। तो 15th स्टेप तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 15 स्टैक में आपका अंडर फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे स्टैक एम्प्टी हो गया है, मैं इसके आगे लिख देती हूँ, यहाँ स्टैक एम्प्टी हो गया आपका इस स्टेप में, और इस स्टेप में जाके वो स्टैक आपका क्या हो गया, अंडर फ्लो हो गया। अंडर फ्लो क्यों, वो पॉप करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना पॉप करने के लिए, तो
यहाँ जाके आपका स्टैक क्या हो गया, अंडरफ्लो। जब आपके पास जगह नहीं बचती और एलिमेंट आपके पास पुश होने के लिए आ जाता है तो आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, और जब आपके पास जगह है लेकिन एलिमेंट नहीं है आपका पुश या वॉक करने के लिए तो आपका अंडरफ्लो हो जाएगा। अब मैं इनके स्टेप्स लिख रही हूँ सारे, कहाँ पर क्या चीज थी। यहाँ पे स्टैक क्या था, एम्प्टी, ठीक है, मैंने तब नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ स्टेप समझाए थे। यहाँ पे क्या हुआ था, पुश ए, यहाँ हमने पुश किसको किया था, ए को किया था, यहां हमने किसको पुश किया था, बी को, ठीक है, यहां हमने किसको पुश किया था, सी को, और यहां पे हमने क्या कर दिया था, पॉप किया था। पॉप किसको कर दिया हमने, सी को पॉप किया था। वहां ऊपर क्वेश्चन में लिखा नहीं है ना, वहां सिर्फ पॉप करने के लिए बोला हुआ है, तो वहां पे लिखने की उन्हें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि कौन सी एलिमेंट को आपको पुश करना है, कौन से एलिमेंट को पॉप करना है। पुश करने के लिए तो वो बताएगा कि कौन सा एलिमेंट आपका जाएगा अंदर, लेकिन पॉप करने के लिए आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट पॉप होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ गया, फिर से पुश डी, यहाँ डी हमने पुश किया था, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, पॉप कर दिया उसी डी को, ठीक है, यहां हमने क्या किया, पुश ई कर दिया, उसके बाद हमने यहां पे पुश किसको किया, एफ को, पुश एफ कर दिया, और नीचे हमारा क्या हो गया, स्टैक हो गया ओवरफ्लो, जहां पे हमें बोला हुआ था कि पुश करो जी को, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है, पुश जी नहीं हो सकता क्योंकि स्टैक हमारा ओवरफ्लो हो चुका है। यहाँ पे क्या किया हमने, पॉप कर दिया किसको, एफ को, अब सारा पॉप ही करना है हमें। अब यहाँ पे पुश ई हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा वो पुश नहीं, पॉप, पॉप ए हो गए। अच्छा एक स्टेप रह गया हमारा, रुको रुको रुको, यहाँ पे से पॉप हुआ था हमारा बी, ठीक है, और यहाँ स्टैक एम्प्टी कब हुआ था, जब यहाँ पे पॉप हुआ क्या, ए, यहाँ पे हमारा स्टैक एम्प्टी कब हुआ, जब हमारा पॉप हुआ ए, ठीक है, और नीचे हमारा स्टैक हो गया अंडरफ्लो, यहाँ लिख देते हैं नो एलिमेंट प्रेजेंटेड इन द स्टैक फॉर द ऑपरेशन ऑफ फॉर द ऑपरेशन ऑफ पॉप, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है जिसके थ्रू हम अपने पॉप का ऑपरेशन कर सकें, ठीक है, तो ये आपका किसका कंसेप्ट था, स्टैक का कंसेप्ट था। इस कैसे हमने किया, हमने जैसे जैसे स्टेप लिखे थे वैसे वैसे हमने स्टेप्स को फॉलो किया है।